हरे कृष्णा। भगवद गीता की ऑडियो नंबर 52 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव जी की जय। इस ऑडियो में हम चर्चा करेंगे पहले अध्याय के 24वें श्लोक पर। पहले मैं इसको संस्कृत में पढ़ रहा हूं। संजय वाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशन भारत सैन्योभ्यो मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। इसका सरलार्थ दिया श्री प्रभुपाद जी ने, श्री प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। जो लोग रेगुलरली ये ऑडियो सुन रहे हैं और साथ में भगवद गीता पढ़ रहे हैं, वे जानते हैं कि 21वें और 22वें श्लोक में अर्जुन जी ने भगवान से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे जो लोग मुझसे फाइट करने आए हैं मैं उनको देख सकूं, मैं उन लोगों को देख सकूं, उन दुर्बुद्धि दुर्योधन को हेल्प करने के लिए जो लोग आए हैं उनको देख सकूं। तो इस बात के रिस्पांस में भगवान ने वो रथ जो है वो दोनों में सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान ने वो रथ जो है वो प्रमुखतः भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। खैर, अब इस श्लोक में जो दो तीन मुख्य शब्द आए हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। एक शब्द आया है गुड़ाकेशिन, तो सबसे पहले मैं इसी शब्द को ले रहा हूं, गुड़ाकेश। एक्चुअली गुड़ाक शब्द जो है अर्जुन जी के लिए जो यूज किया गया गुड़ाकेशिन, तो गुड़ाक शब्द का अर्थ है आलस्य, निद्रा, थकान। तो अर्जुन जी ने इन तीनों को जीत लिया था। ये तीनों कौन से तीनों? आलस्य, निद्रा और थकान। ये तीनों बेसिकली तमोगुण के लक्षण है। तो अर्जुन जी ने इन तीनों गुणों को जीत लिया था। तीनों अवगुण है, एक तरह से गुण कहां है, अवगुण है। ऐसा बताया जाता है कि जब छोटे थे अर्जुन तभी सभी शिष्यों में वो सबसे ज्यादा उत्साही थे, और यही रीजन है कि वो अपने गुरु द्रोण के फेवरेट स्टूडेंट भी थे। होता है ना, जैसे क्लास में अगर कोई उत्साही हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करके लाए, सबसे बढ़िया से होमवर्क करके लाए, क्लास में अटेंटिव हो, टीचर को रिस्पेक्ट से बात करे, सबसे अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस करके दे, तो टीचर को क्या चाहिए? आमतौर पर नेचुरल है कि वो टीचर इस तरह के स्टूडेंट से प्रभावित होते ही हैं, जो भी बेस्ट स्टूडेंट हो। तो अर्जुन एक बेस्ट स्टूडेंट था। तो हमें अर्जुन जी से ये सीखना चाहिए कि अगर हम अपने जीवन में आगे निकलना चाहते हैं तो हमें उत्साही होना होगा, हमें ये आलस्य, निद्रा, थकान, इन चीजों से हारना नहीं है, अर्जुन जी से सीखना है। ऐसी एक स्टोरी भी है कि अर्जुन ने बचपन में जब एक बार दिया बुझ गया और फिर भी वो खाते रहे, तो उनको लगा जब मैं नींद में खा सकता हूं तो मैं नींद में तीर भी चला सकता हूं। एक आध जगह इसका डिफरेंट वर्जन भी है स्टोरी का, कि उन्होंने भीम को नींद में अंधेरे में खाते हुए देखा तो उनको लगा कि मैं अंधेरे में तीर भी चला सकता हूं। तो अर्जुन जी ने बचपन में ही एक तरह से अंधेरे को जीत लिया, नींद को जीत लिया, है ना। रात के समय उन्होंने फिर प्रैक्टिस करनी शुरू की कि मैं अंधेरे में भी तीर चला सकता हूं। निद्रा पर उन्होंने विजय पाई कि वो रात में बिना जागे बिना थके अभ्यास करते थे, तो नेचुरली वो बेस्ट होंगे ना। अब कोई स्टूडेंट अगर सारा दिन भी पढ़े और रात को भी पढ़े, है ना, वैसे तो पढ़ाई के मामले में कह सकते हैं कि वो किताबी कीड़ा होगा, समटाइम्स जरूरी की रिजल्ट है, बट एक जनरल सी बात यह है कि जो ज्यादा मेहनत करता है आमतौर पर उसके रिजल्ट्स बेटर ही आते हैं। यहां पर मैं एक भक्त की चर्चा इस श्लोक पर सुन रहा था, तो उनके विचार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन में भगवान की सेवा करते वक्त या कुछ भी काम करते वक्त जितना हमारे बस में होता है उतना करते हैं, यानी कि जितने के हम सक्षम हैं, जितना हम इजीली आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है ना, तो जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम थोड़ा ज्यादा का प्रयास नहीं करेंगे,
स्लोली स्लोली अपने आप को इंक्रीज नहीं करेंगे, है ना। जैसे आपने कोई फिल्म देखी हो, शायद मिल्खा सिंह की कोई फिल्म देखी हो या कोई इस तरह की फिल्म देखी हो किसी बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर की, तो उसमें हमेशा दिखाते हैं ना कि जो आदमी जितनी तेज दौड़ रहा है फिर वो और तेज दौड़ने की कोशिश करता है, या जितना वजन उठा रहा है उससे और ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करता है। लेकिन ये एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो धीरे 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 गुरु के निर्देशन में हमें अपनी भक्ति, अपने एफर्ट्स, अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम हैं, अगर हमें एक्सेल करना है तो धीरे 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 उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम जहां पढ़े हैं वहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इस श्लोक का मुख्य संदेश यही है। अभी इस पर एक ऑडियो और हम लेंगे इसको पूरा करने के लिए, इसमें एक लीला भी है, वो डिस्कस करेंगे अगली ऑडियो में। तो श्लोक का संदेश यही है कि अगर हमें अर्जुन की भांति गुड़ाकेश बनना है, यानी जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली, तमोगुण पर विजय प्राप्त कर ली, तो हमें अपने एफर्ट्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करना होगा। लेकिन हाँ, इसमें हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस, गुरु के निर्देशन की आवश्यकता होगी। हरे कृष्णा। और हर तरह की प्रोग्रेस के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को साथ रखें। स्टूडेंट एज में तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो ये डेफिनेटली आपको स्टडीज में भी फोकस्ड वे में पढ़ने को हेल्प करेगा। बेसिकली हरे कृष्ण महामंत्र का जप इज अ टाइप ऑफ जपा मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन ऑलवेज हेल्प्स। हरे कृष्णा। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास।